अध्याय 15 आनुवंशिकी, जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रजनन से जीव अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं, जैसे बबुल के पेड़ से बबुल का बीज और उससे बबुल के पेड़ ही पैदा होते हैं, बकरी से बकरी का बच्चा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा। नए पैदा हुए जीवों के गुणों में अपने माता पिता से समानता के साथ साथ विभिन्नताएं भी दिखती हैं। आइए इन समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। 15.1 जीवों में समानता एवं विभिन्नता, सिमिलारिटीज एंड डिसिमिलारिटीज इन ऑर्गेनिज्म। 15.1.1 जंतुओं में उदाहरण मनुष्य। क्रियाकलाप 1, पिछली कक्षा में आपने अपने दोस्तों के साथ तुलना करके कई समान तथा भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था। अब आप अपने परिवार में ऐसे लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और स्वयं के लक्षणों के आधार पर दी गई सारणी में सही का चिन्ह लगाएं। सारणी देखकर बताएं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आप में और आपके माता पिता दोनों में हैं। क्या कोई लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक में है जो आपके माता पिता और आप में भी है। ऐसे कौन कौन से लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी किसी एक में है और आप में भी है पर आपके माता पिता में नहीं है। ये लक्षण आप में कैसे आए होंगे। आपने देखा कि कुछ लक्षण आपके पूर्वजों से आप तक पहुंचे। इस प्रकार लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी, हेरिडिटी कहलाता है। सारणी में आपने यह देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवारजनों में नहीं है पर आप में है। इसी प्रकार एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है वे विभिन्नताएं, वेरिएशन हैं और इसके बारे में हमने अध्याय 1 में पढ़ा है। 15.1.2 पौधों में भी इसी प्रकार कई समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं जैसे पत्तियों का आकार, फूलों की संरचना आदि एक जैसे होने के बावजूद कई भिन्नताएं होती हैं, जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियां ढूंढ नहीं पाते। क्या एक ही पौधे के दो बीज एक समान होंगे। क्रियाकलाप 2, एक मटर या सेम की फली के बीजों का अवलोकन करें। क्या फली में दो समान बीज दिख रहे हैं। उन बीजों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग अलग गुण वाले कई किस्म के पौधों को विकसित किया। लोगों को पता था कि एक पीढ़ी के कई गुण दूसरी पीढ़ी या आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रकट होते हैं, मगर सवाल यह था कि अलग अलग गुण पैदा कैसे होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। 15.2 आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। गुणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया, मगर वे लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए। डार्विन और उनके समय के कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, जिनमें ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ में पादरी थे। उन्हें बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। इसके बाद भी कई अन्य पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उनका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पति विदों के साथ साझा करते रहे।
वे इस दिशा में किए गए अन्य वैज्ञानिकों जैसे डार्विन के प्रयोगों के विवरण भी पढ़ते और उनका विश्लेषण करते। गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारियां मिली। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने व उनकी पुष्टि के लिए गणितीय गणनाओं को सम्मिलित किया।